दिल्ली कैंट गांव नगली में जहां पर 9 वर्षीय बेटी के साथ में जो दुष्कर्म और उसकी हत्या का जो एक घृणित कार्य इस भारत देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। और मेरे साथ इस समय बौद्ध धर्म के गुरु पूज्य भिक्खु तीरथ ज्योति जी हैं, इस विषय में उनके भी विचार जानेंगे। सबसे पहले तो हम इस उसकी गौर निंदा करते हैं। ऐसा काम हुआ है, इससे सरकार की नज़रें बच रही हैं और बड़े दुख की बात है। एक तरफ सरकार नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी अभी तक जब बेटी होश ही नहीं संभाल पा रही है, जो बच्ची आज उसने अभी तक क्या देखा था, कुछ देखा ही नहीं। और ऐसे दरिंदे इस धरती पर है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक तरफ नारा सुनते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बेटियों के साथ में ये सब घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर केंद्र सरकार बैठी हुई है दिल्ली में और उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, इसके बावजूद भी अब तक उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है कितनी हुई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जितनी हुई है उतनी कम है। जब एक निर्भया कांड को जन्म दिया जाता है तो उनको दरिंदों को फांसी दी जाती है। बेटी दलित की या मुस्लिम की ये मायने नहीं रखता है, बेटी बेटी है और बेटी के साथ में जो हुआ है इसकी घोर निंदा करते हैं और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से मांग करते हैं कि जिन्होंने काम किया है ऐसे दरिंदों को फांसी तो दी ही जानी चाहिए, क्योंकि जिससे कि दूसरे लोग हैं वो जागरूक होंगे, सचेत होंगे और ऐसे कांडों को दोबारा जन्म नहीं दिया जाएगा। आए दिन पूरे देश में यही सुनने को मिलता है कि दलित की बेटी, कभी आपने ये सुना है कि दूसरे अपर कास्ट की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? हम ये सुनना ही नहीं चाहते, हम ये चाहते ही नहीं पूरे देश में कि बेटी के नाम ऐसा आना चाहिए। लेकिन अजीब बात है कि सरकार की बड़ी बड़ी बातें, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर दिल्ली कैंट है दिया है जो कि यहाँ पर सिक्योर सब कुछ रहता है, मिलिट्री रहती है, पूरा फोर्स रहता है, इसके बावजूद भी ये इन्होंने काम किस प्रकार से यहाँ हो गया और अभी तक सिर्फ मैं ये सुन रहा हूँ कि उनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर और भी एक्शन लेना चाहिए और उनको फांसी का जल्दी से जल्दी प्रावधान निकालना चाहिए जिससे कि बेटी को न्याय मिले, क्योंकि गुड़िया मासूम बच्ची है। मैं तो समझता हूँ लोगों को कौन सा ऐसा मर्यादा नाम की, मानवता नाम की कोई तो चीज़ नहीं है, और अपने आप को कोई आदमी पुजारी कह रहा है और पुजारी होने के बावजूद भी ये अगर घिनौना काम हुआ है तो मैं समझता हूँ उसको जनता माफ ना करे, और यहाँ तक कि जो भी सरकार कठोर से कठोर उनको सजा दे उसे देनी चाहिए। पंते जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो कुकृत्य होते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों के या ऐसे कुकृत्य ना हो उसके लिए हमें मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल है, सामाजिक तौर पर देखा जाए मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस जनता ने उस बेटी के लिए, उस मासूम बच्ची के लिए एकत्रित होकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग के लिए दिन रात यहाँ पड़े हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की अब नहीं तो कुछ दिन पीछे जरूर आँख खुलेंगी, और ये जो सुनने को मिलता है ये मिलता ही गलत है। जब तक फांसी का प्रावधान ऐसे लोगों को नहीं होगा, ऐसे लोग क्या है कि जमानत लेकर छूट जाते हैं, पैसे भर के छूट जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है, घटना चाहे हाथरस कांड हो चाहे और भी कांड हो, इनके ऊपर ऐसे प्रेशर बनाए जाते हैं कि यदि तुमने ये गवाही नहीं दी तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। और जनता का ही नहीं, सरकार का फर्ज है कि ऐसे परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए, ऐसे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे कि उनको न्याय मिले। और जब तक उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता, जब तक सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इनको सुरक्षा दी जाए। हैदराबाद में युवती के साथ इसी तरह का एक मामला हुआ, क्योंकि वो स्वर्ण समाज से थी, चारों आरोपियों को ऑन द स्पॉट मार दिया गया, यहाँ पर सरकार उनको लिए घूम रही। गलत है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, बेटी किसी भी समाज की हो, यहाँ पर नारी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े नारे सुनते थे कि आप नहीं सहेंगे नारियों पर अत्याचार, और अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, इसके बावजूद यहाँ क्या कर रही है भाजपा सरकार? मैं यहाँ पर सरकार के कोसने नहीं आया हूँ,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उनको ऑन द स्पॉट आरोपियों को सजा मिली, ऐसे इनको क्यों नहीं देने में क्या आपत्ति आ रही है? बेटी कौन हो कौन नहीं है इस बात से नहीं है, बेटी शब्द है बेटी। यहाँ पर जो गलत है गलत है, और जिसने गलत किया है उसको फांसी मिलनी ही चाहिए। आंदोलन कर रहे हैं लोग, तमाम समाज आंदोलन कर रहा है, क्या अपील आप समाज से करना चाहेंगे? मैं समाज से अपील करूंगा कि आप सभी ने मनोबल बढ़ाकर यहाँ पर बेटी के लिए, गुड़िया के लिए सबने एक होकर के जो आंदोलन करके एक चेतना जगाई है, जागरूकता लाई है, और पूरे देश में एक आवाज जा रही है। आप लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। न्याय के लिए पूरा देश आपके साथ आने को तैयार है। किसी भी प्रकार से झुकने की, डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और हमारा पूरा भिक्षु महासंघ हमारा सदैव आपके साथ रहेगा। साथियों, ये थे बौद्ध भिक्खु पूज्य बनते थिरो ज्योति जी, जिन्होंने पूरे समाज से अपील की है कि आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा बहुजन समाज इस आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा बनाकर खड़ा है। देखते हैं सरकार की इस पर क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से सरकार इस मामले को, या जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है, जो यहाँ पर आंदोलनकारी है, जिनमें रोष है, उनके रोष के साथ न्याय कर पाएगी। मैं हूँ तमाम बहुजन मीडिया के अपने साथियों के साथ, मनोज अंतानी, दिल्ली कैंट, पुराना नागल से आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।